कांग्रेस सेवा दल ने ध्वजबंधन कार्यक्रम आयोजित करते हुए देश व समाज सेवा का संकल्प लिया है। सेवा दल प्रमुख सुनीता टमटा व गोविंद कठायत ने कहा कि हर माह के अंतिम रविवार को ध्वजबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कांग्रेस सेवा दल ने कोरोना महामारी के दौरान अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने तथा उन्हें राहत पहुंचाने का संकल्प लिया, साथ ही लोगों से भी अपील की कि वह महामारी से निपटने के उपायों पर अमल करें। आज हमारा कांग्रेस सेवा दल का ध्वजबंधन कार्यक्रम था। ये प्रत्येक माह के लास्ट रविवार को किया जाता है, ये पूरे प्रदेश में किया जाता है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी पूरे प्रदेश में पूरे देश में यह कार्यक्रम किया जाता है। और सेवा दल एक पूरे कांग्रेस पार्टी में एक अनुशासन बनाने का काम करता है। और जो पहले जो होता था, सेवा दल की ट्रेनिंग लिए बिना कोई कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिलती थी उसको। जैसे राजीव गांधी जी ने पहले कांग्रेस की सेवा दल की ट्रेनिंग की थी, उसके बाद ही उनको कांग्रेस में सदस्यता दिलाई गई थी। और कांग्रेस सेवा दल हमेशा कांग्रेस में जो भी है पूरा शासन का काम करता है। आज ही कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा एक ध्वजवंदन प्रोग्राम किया जाता है। ये हमारे राष्ट्रीय जो राजेश रस्तोगी जी है, जिसके अभी अध्यक्ष है, तो उनके द्वारा प्रोग्राम दिया गया था। तो अभी सारे बागेश्वर से जो सेवा दल की कार्यकर्ता है, उनके द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का प्रोग्राम किया गया। आज कांग्रेस सेवा दल का ध्वजवंदन कार्यक्रम है, जो कि महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और पहले हमने यहाँ पर सफाई कार्यक्रम रखा, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और कांग्रेस सेवा दल जो है बहुत ही पुराना दल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी अहम भूमिका रही है। हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, वो इसी सेवा दल के रास्ते से राजनीति में आए थे। भले ही आज कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस जो है एक पुरानी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में आई थी, उन्होंने जनता से बहुत वादे किए थे, जो आज पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई और भी कितने से मुद्दे हैं वो हम सब से छुपे नहीं हैं। ये सोचनीय विषय है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद कोई नहीं यही चाहता है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ नौकरी मिले, ताकि वो अपने परिवार का जीविका उपार्जन कर सके। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उन्होंने वादा किया था कि वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने के बजाय उन्होंने 22 मार्च को एक घोषणा की थी कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन का हुआ था, लेकिन आप मुझे 21 दिन का टाइम दो। अगर 21 दिन का टाइम नहीं दोगे तो हमारा देश जो है 21 वर्ष पीछे चले जाएगा। लेकिन उनकी इस घोषणा से, बिना सोचे समझे से जो लॉकडाउन किया उन्होंने, इससे हमारा देश लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और आज हम इस अवसर पर ये उद्देश्य ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।